तो जॉन सिना और केविन ओवेंस जीत चुके हैं रोमन वर्सेस सामी ज़ेन वाले मैच को। मैच भले ही छोटा था पर बहुत अच्छा मैच था। मैच में भी बहुत ज्यादा मजा आया, जॉन सिना ने रोमन रेंस को हरा दिया। मैच की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है, रोमन रेंस की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। रोमन रेंस की एंट्रेंस तो यार हमेशा की तरह बहुत अच्छी होती है। जैसे ही मैच शुरू होता है रोमन रेंस पहले सामी ज़ेन को भेजते हैं केविन ओवेंस के खिलाफ। केविन ओवेंस भी यार बहुत तगड़ा सा मारना शुरू कर देते हैं सामी ज़ेन को। लगा नहीं था यार मेरे को कि ये दोनों तो दोस्त थे, लड़ाई कैसे कर सकते हैं, पर रोमन की साइड चले गए हैं सामी ज़ेन। जो जो रोमन के दुश्मन है वो सामी ज़ेन के भी दुश्मन है। होता है मैच को देखकर ही मजा आ गया यार, एकदम से ऐसा लगा कि रोमन रेंस कैसे जीत नहीं पाए, रोमन रेंस को जीतना चाहिए था ये मैच, पर जॉन सिना कैसे जीत गए मैच को। जैसे कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि सामी ज़ेन को पिन करेंगे केविन ओवेंस, और सही में ये भी होता है, केविन ओवेंस सामी ज़ेन को पिन कर देते हैं। रोमन रेंस केविन ओवेंस को स्पेयर भी लगाते हैं पर स्पेयर उनके नाकाम रहती है, केविन ओवेंस साइड से हट जाते हैं, रोमन रेंस से टकरा जाते हैं रिंग से। सामी ज़ेन को पिन किया गया है, इससे रोमन रेंस का रिकॉर्ड तो बरकरार रहेगा कि रोमन रेंस पिन नहीं हुए थे, उनका रिकॉर्ड तो बना रहेगा कि रोमन रेंस को अभी तक कोई पिन नहीं कर पाया है साल 2022 में। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमेशा रोमन रेंस को कमजोर दिखाया जाता है स्मैकडाउन में, जैसे ही कोई पीपीवी इवेंट होता है, जैसे कि आप मान के चलो रॉयल रंबल हो गया, रेसलमेनिया हो गया, क्लैश एट द कासल, जो ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इनमें रोमन रेंस की जीत होती है, पर स्मैकडाउन में इन्हें हमेशा कमजोर दिखाया जाता है। और जॉन सिना इसलिए जीते हैं क्योंकि कोई भी रेसलर हो WWE उनसे पहला मैच जितवाती ही है, चाहे वो कोई भी रेसलर हो। जॉन सिना का ये पहला मैच था उनके रिटर्न के बाद, इसलिए उनको पहला मैच WWE ने जितवा दिया। केविन ओवेंस और जॉन सिना जीत गए इस वाले मैच को। आपके क्या थॉट्स है इस मैच को लेके कि जॉन सिना जीतने चाहिए थे या रोमन रेंस जीतने चाहिए थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।